कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज, नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के एक ही हलके से कागजात जमा। कराची से लेकर खैबर तक सियासी जमातों के रहनुमाओं और आजाद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का सिलसिला जारी और उम्मीदवार आज शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी मुतलका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करवा सकते हैं। आज नवाज शरीफ ने लाहौर से कौमी असम्बली के हलका NA 130 से कागजात नामजदगी जमा कराए जबकि खुरम दस्तगीर खान ने NA 78 गुजरांवाला की नशिस्त के लिए कागजात जमा कराए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी NA 130 से अपने कागजात जमा कराए जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इकबाल अहमद खान, जमात इस्लामी की जानिब से सूफी खलीक और अहमद भट्ट और JUI की तरफ से मौलाना सलीमुल्ला कादरी ने कागजात नामजदगी जमा कराए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने NA 150 मुल्तान से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 150 से जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए जबकि NA 180 कोट अद्दू से साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM पाकिस्तान के कन्वेनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने भी कराची से NA 249 की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सरबराह MQM ने NA 248 और NA 250 से भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात ने 70 के बदनाम जमाना इलेक्शन की याद ताज़ा कर दी। मोहम्मद अली दुरानी उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान, कागजात नामजदगी, इंतखाबी सरगर्मियों का हक और आज़ादी इजहार छीन लेना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन का अमल है। जमहूरियत के खिलाफ ये जंग सबकी शिकस्त बन जाएगी। इतवार को अपने अहम बयान में उन्होंने कहा कि पंजाब इंतजामिया के जोर पर कबल अज इंतखाबात शर्मनाक धांधली, प्री पोल रैंकिंग 1977 के इंतखाबात की तारीख दोहराई जा रही है। इंतजामिया की जेर निगरानी होने वाले 1977 के इंतखाबात मुल्की तारीख के वाहिद इलेक्शन हैं जिन्हें पूरी कौम ने मुस्तैद कर दिया था। उन्होंने खबरदार किया कि 1977 के इकदामात का अंजाम भी 1970 वाला ही होगा। 1970 वाला फार्मूला 2024 में इस्तेमाल होगा तो मुल्क जमहूरियत अवाम और इदारे 1970 वाले हालात से भी दो चार होंगे जिसमें मुल्क अवाम जमहूरियत और इदारों का नुकसान ही नुकसान है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए वज़राए को जिम्मेदारियाँ तफवीज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें सूबाई वज़रा आमिर मीर, बिलाल अफजल, मंसूर कादिर, इब्राहिम हसन मुराद, सूबाई मशीर वहाब रियाज, IG और दीगर अफसरान शरीक थे। मोहसिन नकवी ने ज़ेरे तकमील डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए वज़रा और अफसरों को जिम्मेदारियाँ सौंप दी। सूबाई वज़ीर आमिर मीर, जनरल सत्तार इब्राहिम, हसन मुराद मियों अस्पताल और वहाब रियाज डेंटल अस्पताल के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम चिल्ड्रन अस्पताल, सेक्रेटरी टूरिज्म गंगाराम अस्पताल और कमीशन लाहौर PIC के प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर को रावलपिंडी के प्रोजेक्ट्स और सूबाई वजीर बिलाल अफजल को लाहौर रिंग रोड SL3 गुजरांवाला एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग सौंप दी गई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में घंटों गैस लाइन। पंजाब में सर्दी अपने अरूज पर है और ऐसे में लाहौर समेत पंजाब भर के बेशतर शहरों में गैस घंटों गायब रहती है जिसने लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ज़राए सुई नातरन के मुताबिक 3 मुकर्रर अवकात में भी प्रेशर पूरा नहीं दे पा रहा है जिसकी वजह से शहरियों को नाश्ते और खाने के वक्त में भी गैस मैसर नहीं है। ज़राए ने बताया कि लाहौर में गैस की तलब और रस में फ़र्क 900 मिलियन क्यूबिक फुट से बढ़ गया है। शहर में गैस की ज़रूरत 2100 मिलियन और सप्लाई सिर्फ 1200 मिलियन क्यूबिक फुट के लगभग है। ज़राए के मुताबिक सर्दी बढ़ने से गैस प्रेशर मज़ीद कम होने का भी इम्कान है।